नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले में पिछले साल शहीद हुए औरंगजेब के दोनों छोटे भाई भी अब सेना में भर्ती हो गए हैं। कश्मीर के रहने वाले औरंगजेब का पिछले साल 14 जून को आतंकियों ने अपहरण कर लिया था तथा बाद में उसकी हत्या कर दी। घटना के समय वह ईद मनाने के लिए घर लौट रहे थे। औरंगजेब के पिता हनीफ ने अपने दोनों छोटे बेटों के भी सेना में भर्ती होने के बाद कहा कि औरंगजेब को आतंकियों ने धोखे से मारा था। यदि वह लड़ते हुए शहीद होता तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन धोखे से उसकी हत्या की गई। हनीफ ने कहा कि दोनों बेटों की भर्ती पर गर्व से मेरा सीना चौड़ा भी हो रहा है, लेकिन सीने पर जख्म भी हैं। मेरा दिल करता है कि उन दुश्मनों से मैं खुद लड़ूं जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। हनीफ ने कहा कि मेरे दोनों बेटे औरंगजेब की हत्या का बदला लेंगे। औरंगजेब के भाई शब्बीर ने सेना में भर्ती होने के फैसले को लेकर कहा, अपने प्रदेश और हिंदुस्तान को बचाने और अपने भाई का बदला लेने के लिए हम भर्ती हुए हैं। औरंगजेब के छोटे भाई मोहम्मद तारिक ने कहा कि जैसे हमारे भाई ने वतन की खातिर जान दे दी और रेजिमेंट का नाम ऊंचा किया, उसी तरह हम भी अच्छे काम करेंगे और भाई की तरह ही देश के लिए जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। शब्बीर ने कहा कि मैं अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए भर्ती हुआ हूँ। मैं भाई और पंजाब रेजिमेंट का नाम रोशन करूंगा। सोमवार को राजौरी में भारतीय सेना में 100 नए सैनिक भर्ती हुए, जिनमें शब्बीर और तारिक भी शामिल थे। उनके पिता मोहम्मद हनीफ भी सेना में रह चुके हैं। वे जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से जुड़े थे। औरंगजेब के दोनों भाइयों को सेना की पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुई है। इस परीक्षा में कश्मीर के 11,000 नौजवान शामिल हुए थे, जिनमें से केवल 100 लोग चयनित हुए। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें।